Good morning students. Today we will start our maths class with our next topic: lines. You have to do this work very neatly in your classwork copies. First of all, you will write down the date and day in your copies, then topic lines. What is our first topic for today? Straight lines. So लाइंस तो सबको पता है कैसी होती हैं बट आज हम लाइंस के साथ साथ नेमिंग भी करेंगे ठीक है सो यू हैव टू ड्रॉ दीज लाइन्स विद द हेल्प ऑफ अ स्केल सो लुक एट आ फर्स्ट लाइन दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल देन सेकेंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन थर्ड वन दिस दीज आर कॉल्ड स्लांटिंग लाइन्स ठीक है आई होप सबको क्लियर हो गया है फिर से एक बार देख लो दिस वन इज हॉरिजोंटल लाइन सेकेंड वन इज़ वर्टिकल लाइन थर्ड वन आर स्लान्टिंग लाइन्स सो यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीज लाइन्स विद द हेल्प ऑफ अ स्केल ठीक है देन एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लाइन्स इज कर्व्ड लाइन्स ठीक है फर्स्ट वन इज इन इन लाइन्स को स्केल के साथ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर कर्व्ड लाइन्स ठीक है अब फर्स्ट लाइन जो है हमारी वो कैसे बनेगी स्लान्ट वे में आप यू बनाएंगे अप साइड डाउन उल्टा यू बनाएंगे वो भी स्लांटिंग वे में ठीक है सेकेंड वन कैन यू सी इट इट्स लाइक एस एस है स्लांटिंग वे में एस बनाया है अगर आप इधर से देखो इसको कैन यू सी इट्स एस ठीक है स्लांटिंग वे में हमने एस बनाया है देन थर्ड वन थर्ड वन इज़ ऑल्सो लाइक अ टाइप ऑफ एस यू कैन से एस टाइप का ही है बट लिटिल बिट स्मॉल पूरा एस नहीं है हाफ यू कैन से ठीक है तो ये था आज का हमारा क्लास वर्क वॉट इज़ द होमवर्क फॉर टू फर्स्ट डू दिस वर्क वेरी नीटली इन योर क्लास वर्क नोटबुक ठीक है ये सारा वर्क ये जो आज हमने सारा वर्क किया है लाइन्स का ये सारा वर्क आपने करना है अपनी क्लासवर्क कॉपीज़ पर देन सेकेंड वॉट इज़ द होमवर्क फॉर टुडे डू पेज फोर्टी सिक्स पार्ट ए एंड बी इन योर बुक पेज नंबर फोर्टी सिक्स बुक्स का आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी आप अपनी बुक्स पे सॉल्व करेंगे ठीक है पार्ट ए एंड पार्ट बी क्या है कर्वड एंड स्ट्रेट लाइन्स के रिलेटेड ही आपका होमवर्क है ठीक है थैंक यू